हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा। बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, और कल से इसकी जो है वो रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, ये देखो सिलेबस बेटा, आपको मैं एक बार बता देती हूँ, ये सिलेबस बहुत सारे बच्चों का पहले हो चुका है। ये सिलेबस जो हम पहले कर चुके हैं वही दोबारा किया है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का सिलेबस रह गया था। तो ये बार बार ना बच्चे मैसेज करते हैं कि मैम जो आप क्वेश्चंस भेज रहे हो वो करने हैं, मैम वो क्वेश्चंस करने हैं। इफ़ यू हैव डन देयर इज़ नो नीड टू डू अगेन। अगर कर चुके हो तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। चलिए, ये उनके लिए है जिनका नहीं हुआ है, और जिनका हो चुका है वो सिर्फ सुनिए समझिए। देखिए, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, दिस इज़ द स्टेटमेंट टोल्ड बाई जोनाथन। अब हम बात करें कि मैम ये जोनाथन क्या। देखिए बेटा, ये चैप्टर ना एक ट्रैवलॉग है, दिस इज़ अ ट्रैवलॉग। शायद आपको विजिबल होगा, कलर थोड़ा मिक्स हो रहा है। ट्रैवलॉग, अच्छा ट्रैवलॉग क्या, TRAVLOGUE। ट्रैवलॉग मीन्स इन दैट जर्नी इज डिस्क्राइब्ड, जिसमें किसी जर्नी के बारे में, ठीक है, कोई यात्रा के बारे में डिस्क्राइब किया गया हो उसे बोलते हैं ट्रैवलॉग। आप सबको याद हो तो गुलीवर्स ट्रैवल्स आपका नॉवल था, एक गुलीवर्स ट्रैवल, उस गुलीवर्स ट्रैवल्स को भी क्या बोला जाता है, ट्रैवलॉग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें गुलीवर की ट्रैवलिंग के बारे में ही बताया है, कैसे वो अलग अलग आइलैंड पे जाता है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे। ये ट्रैवलॉग इसलिए है बिकॉज इन दिस आल्सो नरेटर आल्सो हाईलाइटेड हिज जर्नी। इसमें भी नरेटर क्या करता है, अपनी जर्नी को हाईलाइट करता है यहाँ पे। द जर्नी विच ही स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड एंड टू सदर्न ओशियन, ठीक है, इंग्लैंड से और किस तरफ चलता है, सदर्न इंडियन ओशियन, सदर्न इंडियन ओशियन, ठीक है, उसकी तरफ आपकी ये जर्नी कंप्लीट होती है। अभी इस जर्नी में हालांकि देखो उसकी जर्नी ना दैट इज़ हैविंग टू फेजेस। द फर्स्ट फेज दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम इंग्लैंड टू केप टाउन, ठीक है, वहाँ पे कोकोमाउस शायद नाम दे रखा है आपका, वहाँ से केप टाउन तक फर्स्ट फेज चलता है। वो फर्स्ट फेज जो था वो बड़ा कंफर्टेबल था, देर वॉज नो प्रॉब्लम इन दैट फेज, बट द सेकेंड फेज वॉज वेरी रिस्की। जो सेकेंड फेज था जर्नी का वो काफ़ी रिस्की था। ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। तो कुछ ब्रीफ में आपको बता दिया कि हाँ, एक ट्रैवलिंग जो एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया गया है, और यहाँ पे इस नाम का क्या पर्पज़ है। इस नाम का पर्पज़ ये है बिकॉज दिस पर्टिकुलर चैप्टर गिव्स द मैसेज ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है, ऑफ ए इट गिव पॉजिटिव एनर्जी। ये हमें क्या देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। इट इंस्पायर्ड अस, ये हमें क्या करता है, इंस्पायर करता है। अच्छा, इंस्पायर कैसे करता है कि हाउ वी कैन फेस द डिफ़िकल्टीज़, हम डिफ़िकल्टीज़ को कैसे फेस कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन ओवर पावर अवर प्रॉब्लम्स इफ़ वी आर डिटरमाइंड, कि कैसे अगर हम डिटरमाइंड हैं तो कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो ओवर पावर कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इस चैप्टर को ये नाम दिया गया है, क्योंकि ये वर्ड्स बोले थे जोनाथन ने जब वो ये कहता है, ये इंस्पायरिंग है ना कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम इकट्ठे हैं। तो मतलब ये हमें क्या दे रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक कॉन्फिडेंस दे रहा है, उसके करेज को दिखा रहा है। इट्स शोइंग द करेज, ये किसको दिखा रहा है, करेज, उसके साहस को दिखा रहा है। चलिए बात करते हैं, देखो राइटर की तरफ अटेंशन जरूर देना। गोल्डन कुक और एलन ईस्ट, नेम यहाँ पर थोड़ा सा विजिबल नहीं है, यहाँ एलन ईस्ट आएगा बेटा, एलन ईस्ट कंप्लीट नेम है, ठीक है, ये आपका राइटर है। अच्छा, नरेटर कौन है, नरेटर का सिर्फ नाम दिया हुआ और कैप्टन वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, नरेटर का नाम और कैप्टन वर्ड, अभी बात करेंगे आगे। देखिए पहले थोड़ा सा ये देखते हैं ये स्टोरी किस बारे में है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर बोलते बेटा रेयर एक्सपीरियंस को। ये स्टोरी एक एडवेंचर है, एंड इट ब्रिंग्स होम द आइडिया दैट इफ़ वी आर डिटरमाइंड, ये आइडिया हमें देती है कि अगर हम डिटरमाइंड हैं, वी कैन ओवरकम आवर हार्डशिप्स एंड डिफ़िकल्टीज़, तो हम अपनी हार्डशिप्स पे और डिफ़िकल्टीज़ पे जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। द ब्रेवरी शोन बाई टू चिल्ड्रन इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द कैप्टन ऑफ द शिप। जो ब्रेवरी है जो कि दो बच्चों ने वहाँ पे शो की है, जो बहादुरी वहाँ पे दो बच्चों ने शो की है, दो बच्चे कौन हैं, जो कि कैप्टन के बच्चे हैं, ठीक है, जोनाथन और सुजैन, वो वहाँ पे हाईलाइट किया की गई है कि कैसे जो है, वन मिनट, कैसे जो है
उनकी ब्रेवरी ने उनके पेरेंट्स को जो है वो इंस्पायर कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हाईलाइट की है एंड दिस से ब्रेवरी शोन बाय टू चिल्ड्रन इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द कैप्टन ऑफ शिप। उस शिप के कैप्टन के लिए उनकी ब्रेवरी क्या बन गई, एक इंस्पिरेशन का सोर्स बन गई। कैप्टन कौन है, उनका फादर ही खुद कैप्टन है। देखो पिक्चर में क्लियर कर देती हूँ मैं आपके सामने करेक्टर, ये चार यही आपके जो मेन करेक्टर हैं, ये चार जो पिक्चर दिख रही हैं। ठीक है, आपने मन में एज्यूम कर लो दिस इज़ द कैप्टन, ये कौन है, कैप्टन है। दिस वन इज़ हिज वाइफ मैरी, ये सेकंड है, ये कौन है, मैरी है। अच्छा, ये लड़का है जिसका नाम है जोनाथन, जोनाथन जो कि 6 ईयर्स ओल्ड है, 6 साल का है। और ये है सुजैन, सुजैन बेटी का नाम है, डॉटर है एंड शी इज़ अ 7 ईयर्स ओल्ड। कितने साल की हैं, 7 साल की हैं। ठीक है, दीज आर द 4 करेक्टर्स। अच्छा, 2 अदर करेक्टर्स आर ऑल्सो, दिस इज़ द हैप्पी फैमिली, ये तो हम ही कह सकते हैं आपकी स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली। बिसाइड दैट 2 करेक्टर्स लैरी एंड हर्ब, यहाँ पे 2 करेक्टर और हैं, एक वन मिनट, लैरी LARY लैरी और है फिर हर्ब। अब मैं ये शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, लैरी और हर्ब ये क्रूमैन है बेटा, दो कौन है, क्रूमैन, क्रूमैन जो कि ये हायर करके अपने साथ लेके जाता है ताकि वो उसकी हेल्प करा सके। भाई बच्चे हैं, एक वीमेन साथ जा रही हैं, सो देर इज़ अ नीड ऑफ मोर, वहाँ पे कहीं ना कहीं और ज़्यादा की ज़रूरत है। तो वो लैरी और हर्ब को, क्रूमैन को हायर करके लेके जाता है जब वो सदर्न ओशन की तरफ चलता है। चैप्टर में पढ़ेंगे सारा। तो टोटल कितने कैरेक्टर्स हो गए, 6 कैरेक्टर्स, 4 तो फैमिली और 2 अदर, गॉट, 6 कैरेक्टर्स। तो एक छोटी सी बात थी, चलिए आगे बात करते हैं इसके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं चैप्टर में क्या है। देखिए चैप्टर में है बेटा, If we are not afraid to die, if we can all be together, present a vivid account of risky voyage. एक क्लियर डिस्क्रिप्शन है, अकाउंट होता है बेटा डिस्क्रिप्शन, विविड होता है क्लियर, एक क्लियर डिस्क्रिप्शन है। किसका डिस्क्रिप्शन है भाई, रिस्की वॉइस का, यात्रा का, जर्नी का। अच्छा कौन लेता है, नरेटर, ठीक है, नरेटर और कैप्टन बोथ आर सेम, उसका नाम गिवन नहीं है। हाँ कई बार ना कन्फ्यूज़न होता है कि उसका नाम जेम्स कुक है, नरेटर का नाम जेम्स कुक नहीं है बेटा, जेम्स कुक को वो कॉपी करता है, जेम्स कुक को वो क्या करता है, कॉपी करता है। जेम्स कुक कौन है, जेम्स कुक कोई अदर एक्सप्लोरर है जिसने 200 साल पहले जो है पूरे वर्ल्ड की वॉइस की थी, यात्रा की थी, जर्नी की थी। ठीक है, तो वो भी ऐसा ही कुछ करना चाहता है जेम्स कुक के जैसे। चलिए, तो नरेटर और कैप्टन नाम दिया गया है, तो उसका कोई नाम नहीं दिया गया, नरेटर एंड कैप्टन वर्ड्स आर यूज्ड फॉर दैट कैरेक्टर। अच्छा, अंडरटेकन बाय नरेटर विद हिज वाइफ मैरी एंड चिल्ड्रन, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टूगेदर, प्रेजेंट अ क्लियर अकाउंट ऑफ अ रिस्की वॉयज दैट इज़ टेकन बाई नरेटर एंड हिज वाइफ मैरी एंड हिज 2 चिल्ड्रन, जो अभी मैं बात करके आई। ठीक है, इट फोकसिस ऑन द वैल्यू ऑफ लिविंग एंड सिंकिंग टूगेदर, ये फोकस करती है वैल्यू किसकी, वैल्यू भाई लिविंग एंड सिंकिंग टूगेदर की, वो भाई जिंदा भी रह रहे हैं और डूब भी रही हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, जिंदा भी हैं और वो डूब भी रही हैं। अबे वो जिंदा और डूब कैसे रहे हैं, मर भी रहे हैं, सिंकिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, जिंदा भी हैं और मर भी रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है, एवरी मोमेंट दे आर फेसिंग डेथ बिफोर दैम, हर मोमेंट में इतनी मतलब वो डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, हर मोमेंट में उनके सामने मौत खड़ी है। चलिए, कलेक्टिव एफर्ट्स कैन मेक अ रिस्क ईजिली सरमाउंटेबल, कि अगर हम सारे मिलके एफर्ट करते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन यही कहता है, मैसेज यही कहता है कि अगर हम कलेक्टिवली, उसने कहा ना इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि अगर कलेक्टिवली एफर्ट किया जाए तो हमारे रिस्क जो हैं वो इजीली सरमाउंटेबल होंगे। सरमाउंटेबल का होता है बेटा कंट्रोलेबल, जिन्हें हम कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है, जिन्हें हम रिमूव कर पाएंगे, वो हमारे रिस्क को क्या कर देती है, कम कर देती है, डिक्रीज कर देती है। डेथ इज़ नॉट ऑसम इफ़ यू पुट अवर हेड्स एंड हार्ट टुगेदर टू फेस इट, डेथ बिल्कुल भी ऑसम नहीं है अगर हम उसमें अपनी जी जान इकट्ठे लगा दें उसे फेस करते हुए। ठीक है, तो मतलब हमें डेथ का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर हम उससे लड़ाई करें, हम अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दें। हेड एंड हार्ट का मतलब ऑल एफर्ट। द लेसन गिव्स अ ग्राफिक अकाउंट,
ये लेसन हमें एक ग्राफिक अकाउंट देता है, एक वॉइस जो कि नरेटर उसकी वाइफ और उसके बेटे जोनाथन जो कि 6 साल का है, डॉटर सुजैन जो कि 7 साल की है, जो उन्होंने जुलाई में 1976 में स्टार्ट की थी एंड दे सेट सेल फ्रॉम इंग्लैंड। उन्होंने कहाँ से सेट सेल का मतलब होता है स्टार्टेड जर्नी, अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, इंग्लैंड से। वाई बिकॉज दे वॉन्ट टू कॉपी, डुप्लीकेट का मतलब होता है पिटा कॉपी, दे वॉन्ट टू कॉपी, किसको कॉपी करना चाहते थे, वो कॉपी करना चाहते थे अराउंड द वर्ल्ड वॉइस, अराउंड द वर्ल्ड वॉइस मेड बाई 200 ईयर्स एगो बाई कैप्टन जेम्स कुक। वो कॉपी करना चाहते थे किसको, जेम्स कुक को, जिसने 200 साल पहले किया था उसको। ये जन और फिर होता क्या है, January 2 को दैट अ गाइगेंटिक वेव ब्रॉक ओवर देयर शिप, एक बड़ी लार्ज सी जो वेव है, लहर है, वो उसके शिप को तोड़ देती है, ब्रॉक ओवर, तोड़ देना। द फैमिली वॉज बैडली ब्रज्ड, फैमिली बुरी तरह से हर्ट होती है, ब्रज का मतलब होता है बेटा हर्टेड, बट दे डिडंट लूज हर्ट एंड रिजोल्व टू ओवरकम दैट, और वो डिसाइड करते हैं उस पर क्या करने के लिए, ओवरकम, आगे है नहीं लेकिन मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ सेंटेंस को, एंड रिजोल्व टू ओवरकम द प्रॉब्लम, ठीक है, उस प्रॉब्लम पे ओवरकम करने के लिए वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, पूरा डिटरमाइंड होते हैं ओवरकम द प्रॉब्लम, गॉट इट। चलिए ये हमारा क्या था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अगर हम अब थीम और मैसेज की बात करें तो थीम और मैसेज है आपका, या पहले टाइटल की बात कर लेते हैं। देखो देखो टाइटल की बात करें तो अभी मैंने बात बताई थी टाइटल इस स्टोरी को क्यों दिया गया, क्योंकि ये वर्ड्स हैं, दीज द टाइटल ऑफ द स्टोरी कम्स फ्रॉम द वर्ड स्पोकन बाय कैप्टन सन जोनाथन, जोनाथन कैप्टन के बेटे ने ये शब्द बोले हैं, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ यू कैन ऑल बी टूगेदर, ठीक है, डाइंग बोला था उसने, यहाँ पे डाइट भी लिख दिया। इट इज़ मोस्ट एप्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ये सजेस्टिव है, हमें भाई सजेशन भी देता है, एंड ब्रिंग्स आउट द स्पिरिट ऑफ करेज, भाई ये हमारे लिए करेज और कैप्टन्स की फैमिली के लिए भाग्य किस्मत भी लेके आता है, फोर्टिट्यूड होता है बेटा लक, ठीक है, किस्मत लेके आता है, और कहें डेस्टिनी, अच्छा भाग्य लेके आता है, यही वर्ड्स इन्हीं से, इन्हीं के कारण तो उनके अंदर करेज आया, और करेज आने के कारण वो बच पाए, उनका लक अच्छा हुआ। जोनाथन्स एंड सूज ब्रेवरी इंस्पायर्स द कैप्टन टू फाइट द ओड्स एंड कम आउट विक्टोरियस ऑफ द स्टॉर्मी वाटर, जोनाथन और सू के जो ब्रेवरी ब्रेवरी थी वो उसे इंस्पायर करती है, उन दोनों की ब्रेवरी उसे इंस्पायर करती है, किसको, कैप्टन को, और किस चीज़ के लिए, कि वो उन ओल्ड मोमेंट्स से, उन डिफ़िकल्ट मोमेंट्स से लड़े और कहीं ना कहीं विक्टोरियस निकले, जीते उनसे, उस स्टॉर्मी वाटर से। जोनाथन के वर्ड्स पर्टिकुलर ये रिवील करते हैं कि डज किसी को भी डिस्करेज नहीं कर सकती जो विलिंग है उस चीज़ को फेस करने के लिए ब्रेवली, ठीक है, अगर हम चाहें तो मौत को भी फेस कर सकते हैं, नथिंग कैन काउ डाउन अ ब्रेव हार्ट, मौत का डर भी एक ब्रेव हार्ट को जो है काउ डाउन नहीं कर सकता, उसके करेज को कम नहीं कर सकता, ठीक है। काउ डाउन का मतलब क्या होता है बेटा, गो डाउन मीन्स डिक्रीज द करेज, करेज को कम करना, गॉट इट। चलिए हिला सकता भी कह सकते हैं। अच्छा अब बात करें मैसेज, ये लास्ट पॉइंट है आपका कि मैसेज क्या है, इतनी देर से पढ़ रहे हैं, मैसेज सबको समझ आ ही गया होगा। मैसेज हुआ आपका जो थीम और मैसेज आपका एक से निकलता है कि थीम है ये स्टोरी, एक एडवेंचर, स्टोरी ऑफ एडवेंचर ब्रिंग्स होम द आइडिया दैट इफ़ यू आर डिटरमाइंड एंड होपफुल वी कैन कम इवन आउट ऑफ द जॉज ऑफ डेथ इटसेल्फ। देखो वही बात बार बार, कभी कैसे वर्ड यूज़ करके, कभी कैसे वर्ड यूज़ करके, बात वही बोल रहा है। अगर हम डिटरमाइंड है, अगर मैं हम होपफुल हैं तो हम मौत के पंजे से भी निकल के आ सकते हैं। द ब्रेवरी शोन बाय टू चिल्ड्रन इंस्पायर द कैप्टन, ठीक है, देयर फादर, वो अपने उनके फादर को इंस्पायर करते हैं टू कंटिन्यू, किस लिए, टू कंटिन्यू द स्ट्रगल टिल द शिप लैंड समवेयर सेफली, कि वो कंटिन्यू स्ट्रगल करते रहे जब तक कि लैंड कहीं पे, जो शिप कहीं पे सेफली लैंड ना करें, तो उस चीज़ के लिए इंस्पायर करते हैं। इंस्पायर्ड ऑफ बींग बैडली इंजर्ड, इतना बुरी तरह से इंजर्ड होने के बावजूद भी चिल्ड्रन शोज एग्जम्पलरी करिज्म, ठीक है, बहुत ही स्ट्रेंज जो है करिज्म, बिल्कुल हम कहें इम्प्रेसिव करेज वो शो करते हैं दोनों बच्चे। इट इज़ दिस टाइप ऑफ करेज विच मेक वन ओवरकम ऑल ऑड्स ऑन द वे टू सक्सेस, और यही करेज है कि लोग, बच्चा इंसान है किसकी तरफ चलता है, ऑड मोमेंट में भी सक्सेस की तरफ जाता है। अच्छा दूसरा थीम, अनदर थीम, देखो पहला तो क्या हो गया, पहले थीम की अगर हम बात करें तो पहला क्या है, वी आर डिटरमाइंड होपफुल देन वी कैन कम आउट इवन द जज ऑफ इट सेल्फ, उसी को फिर डिस्क्राइब कर दिया।
सेकेंड थीम देखिए, अनदर थीम ऑफ द स्टोरी इज दैट द ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल वर्क्स इवन इन द मोस्ट डेस्परेट सिचुएशंस। आदमी के जो इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्ट होता है वैल्यूज, ठीक है, जीने के लिए, सर्वाइव के लिए जो काम करते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, मॉरल वैल्यूज भी कह देते हैं, कि आप डेस्परेट सिचुएशन में भी वो वैल्यूज काम करती हैं। देखो, व्हेन द कैप्टन इज थ्रोन इनटू द सी, हालांकि कैप्टन जो है उसे भाई समुंदर में फेंक दिया गया, एंड ही फील्स फॉर अ वाइल दैट इज एंड, हालांकि कुछ देर के लिए उसे ऐसा लगता है बिल्कुल मरने वाला है, बट देन द विल टू सर्वाइव ओवर पावर्स, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके डिज़ायर थी, इच्छा थी, वो जो है ओवर पावर हो जाती है उस सिचुएशन पे, है ना। ही स्ट्रगल्स हार्ड, वो स्ट्रगल करता है, एंड इज़ एबल टू बी बोर्ड अगेन, और कोशिश करके वापस से उसमें शिप में चढ़ पाता है। लैरी एंड हर्ब टू फॉरनर्स, दो फॉरनर्स हैं, एक अमेरिका से बिलोंग करता है बेटा, एक स्विस से, एक अमेरिका से, एक स्विट्ज़रलैंड से, स्विस तो उसे बोला गया, एक अमेरिकन है मतलब, एक स्विस है, स्विस मतलब स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए, तो हम बात करें कि दो फॉरनर्स थे, आल्सो शो देयर करेज एंड वर्क हार्ड टू सेव द शिप, ये स्टेनिक्ट हैं। देखो, मालिक जिसने हायर किया उनकी ड्यूटी बनती है हेल्प करें, भी ह्यूमन बींग है तो दूसरे ह्यूमन बींग की हेल्प करें। अच्छा, पहला ह्यूमन बींग फादर है तो अपने फादर की ड्यूटी कर रहा है, कैप्टन है तो कैप्टन की ड्यूटी कर रहा है, कैप्टन की ड्यूटी ना सबको बचाना। तो इस तरह से इंस्टिनिक्ट को भी हार्डशिप्स के अंदर नहीं भूलना चाहिए, ये दो निकले हमारी जो वैल्यूज़ हैं, ये नहीं कि हम प्रॉब्लम में आ गए तो अपने मॉरल वैल्यूज़ को भूल जाए, कि हमारी ड्यूटी जो क्रू मेंबर्स हैं उनके लिए क्या बनती हैं, अब जो हायर किए हैं कि हमारी ड्यूटी हमारे मास्टर के लिए क्या बनती हैं। वी मस्ट पे अटेंशन टू आवर ड्यूटीज़ इन आवर और सिचुएशन ऑल्सो, हमारी जो बुरी से बुरी हालत है उसमें भी। टाइटल हो गया अप्रोप्रिएट है, वर्ड्स जोनाथन ने बोले, पिक्चर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कैरेक्टर मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ सारा, कि भी ये फोर कैरेक्टर हैं प्लस टू जो क्रूमैन है लैरी और हर्ब, ओके। और उसके बाद हमने बात की, इंट्रोडक्शन भी कर लिया, कि भी जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस की वो प्रॉब्लम से ही सारे चैप्टर को कवर करती हैं, ठीक है। इस तरह से इंट्रोडक्शन था बेटा, कंप्लीट हो गया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, कल से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आपने इसमें से कुछ नहीं लिखना है, आपने इसमें से थीम और टाइटल लिखने हैं सिर्फ, इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं लिखना है। कैरेक्टर्स लिखने हैं आपने, इसमें से कैरेक्टर्स लिखने हैं, थीम लिखना है और टाइटल। थीम पूरा नहीं लिखना है, थीम एक एक लाइन में, मतलब सिर्फ दो या तीन सेंटेंसेस में कवर कर देना आपने थीम को, ठीक है, कंप्लीट थीम नहीं लिखना है। टाइटल भी आपने टू या थ्री सेंटेंसेस में कवर कर देना है, ओके। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।